स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूब देव में। दोस्तों, वाक्य शुद्धि सामान्य हिंदी का भाग पहला। भाग पहले से तात्पर्य ये है क्योंकि एक और भाग हम लोग लेके आने वाले हैं, तो शुरू करते हैं वाक्य की परिभाषा। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा तो बड़ी नॉर्मल है, उसको थोड़ा सा सही वे में हम पढ़ते हैं। ऐसा शब्द समूह जो एक व्यवस्थित और संपूर्ण आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। तो कोई भी ऐसे शब्दों का समूह जो आपको एक बिल्कुल सही से उसका आशय बताए जो वो कहना चाहते हैं, तो वो वाक्य हो गया। वाक्य के घटक दो होते हैं, कर्ता एवं क्रिया, क्योंकि कर्ता के बिना और क्रिया के बिना वाक्य नहीं होगा। जैसे किसी का नाम है रमेश, तो रमेश क्या जा रहा है और रमेश नहीं लिखेंगे, मतलब कर्ता नहीं लिखेंगे तो भी नहीं चलेगा, और कर्ता की क्रिया नहीं होगी तो भी एक वाक्य नहीं बनेगा। यानी कि वाक्य के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, कर्ता एवं क्रिया। फिर दोस्तों, वाक्य के अंग दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो उद्देश्य है। फिर विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कहा जा रहा है वो विधेय है। तो उद्देश्य तो वो है जिसके बारे में जो बात हो रही है, तो रमेश जा रहा है, तो यहाँ पे उद्देश्य जो है जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो उद्देश्य क्या, रमेश है। फिर उद्देश्य के संबंध में क्या कह रहा है, रमेश क्या कर रहा है, रमेश जा रहा है, रमेश खा रहा है, रमेश गा रहा है, तो विधेय। तो मतलब जो ये है, तो कर्ता को उद्देश्य के बारे में हम जानेंगे और क्रिया जो है वो विधेय, क्योंकि उद्देश्य के संबंध में जो बातें कही जा रही वो विधेय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो उदाहरण है, इस दल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनोज कप्तान बनाया जाएगा। देखो इसमें क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, इस दल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मनोज जो है वो उद्देश्य है, यानी कि वो मेन है, कर्ता है, और क्रिया जो है वो विधेय है, वो क्या है, कप्तान बनाया जाएगा। तो मेन जो है चीज़ उसको कहते हैं उद्देश्य, और जो मेन जो कैरेक्टर वो क्या कर रहा है वो कप्तान बनाया जाएगा, तो वो है विधेय। तो ये क्रिया और, जैसा कि हमने अभी बताया था, क्रिया और कर्ता की बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से उद्देश्य और विधेय को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है और जिसके संबंध में जो कहा, उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जा रही है वो विधेय है। जैसे मैंने कहा रमेश जा रहा है, तो रमेश क्या होगा, उद्देश्य होगा, और विधेय जो है वो जा रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है अन्वय, जिसको अन्विति भी बोलते हैं। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय अन्विति कहलाता है। देखो, वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन और काल पुरुष के अनुरूप होना, तो वाक्य के जो पद हैं उनकी जो क्रियाएं हैं उनके अनुरूप होना लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्विति कहलाता है। फिर वाक्य के भेद, दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, तो वाक्य के भेद हैं जो हैं कितने हैं? देखते हैं, 8 भेद हैं दोस्तों। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों पढ़ते हैं इनको थोड़ा सा। विधानवाचक वाक्य क्या होता है, जो वाक्य किसी कार्य के होने अथवा करने की सूचना देते हों विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं कल अजमेर गया था, तो ये एक विधानवाचक, यानी कि विधान है, एक कार्य करने का जो तरीका है वो उसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, दोस्तों जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध हो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्यामा भोजन नहीं करेगी, ये करो वो मत करो, तो वो जिस वाक्य में मना किया जाए तो वो निषेधवाचक वाक्य होगा। फिर प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि वे वाक्य जिनमें कुछ पूछा जाता हो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्यामा भोजन नहीं करेगी, माफ कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हो तो विस्मयादिवाचक कहलाते हैं। जैसे अरे देव शिक्षक बन गया, तो ये विस्मय हो गया यानी कि आश्चर्य हो गया। फिर आज्ञावाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें आज्ञा अथवा अनुमति का बोध होता हो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे किरण तुम जाओ, तो ऑर्डर देना, आज्ञा देना, ये जो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर है इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों में वक्ता की उम्मीदें, इच्छाएं अथवा आशीर्वाद व्यक्त किए जाते हैं। जैसे ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, तो एक आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा कि तुम पास हो जाओ, तुम उत्तीर्ण हो जाओ, तो ये इच्छा करना, उम्मीद करना, ये सब जो है वो इच्छावाचक वाक्य हैं। फिर संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या शक का बोध हो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। शायद आज मैं जोधपुर जाऊँगा, शायद मैं आज जोधपुर जाऊँ, तो ये संदेह यानी कि शक हो गया, तो वो संदेहवाचक वाक्य। फिर है संकेतवाचक वाक्य, दोस्तों जिसमें इन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। जैसे आज धोनी होते तो हम नहीं हारते,
जैसे एक का दूसरे पे डिपेंडिंग हो जाती हैं चीज़ें, तो उसको कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। फिर दोस्तों थोड़ा सा महत्वपूर्ण पार्ट में आते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं तीन, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। देखो कैसे, साधारण वाक्य जिन वाक्यों में एक मनुष्य क्रिया हो वो साधारण वाक्य कहलाते हैं, जैसलमेर के लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात यहाँ पे कही गई है। फिर है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे इधर शिक्षक आए और उधर छात्र किताबें लिखने लगे, यानी कि दो बराबर के वाक्य मिलके जब उपवाक्य के रूप में एक वाक्य बनाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। फिर है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों की रचना एक अथवा उससे अधिक उपवाक्यों से हुई हो और एक प्रधान वाक्य अतिरिक्त अन्य सभी गौण वाक्य हों तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। देखो जो मेन डिफरेंस जो है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के अंदर वो ये है कि जो संयुक्त वाक्य है जिसमें दोनों वाक्य बराबर जोड़ के अव्यय से जुड़ के बनते हैं, और मिश्र वाक्य में जो है एक वाक्य महत्वपूर्ण होता है, दूसरा वाक्य जो होता है वो उपवाक्य होता है, दूसरा गौण होता है। जैसे उदाहरण है तो श्याम जो नागौर से है वह मेरा मित्र है, तो इसमें जो मुख्य वाक्य है वो कौन सा, श्याम जो नागौर से है, श्याम के बारे में, वह मेरा मित्र है। तो मित्र एक छोटी चीज़ है, इतनी बड़ी बात नहीं। तो एक मुख्य वाक्य और दूसरा गौण वाक्य मिलके मिश्र वाक्य बनाते हैं। फिर है दोस्तों वाक्य विश्लेषण, जिसकी परिभाषा वाक्य के अंगों को अलग अलग करके उनके संबंधों का विश्लेषण करना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। देखो कैसे, भारतीय क्रिकेट दल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट दल को धोनी के शतक की सहायता से बुरी तरह हरा। अब इसमें देखो विश्लेषित करते हैं पूरा, तो इसमें कर्ता क्या है, क्रिकेट दल करता है, कर्ता का विस्तार कहाँ हुआ, भारतीय। फिर कर्म क्या है, क्रिकेट दल कर्म है, कर्म का विस्तार न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हराया। संबंध कारक, धोनी के शतक की बात, और करण कारक की सहायता से ये जो करण कारक। फिर क्रियापद यानी कि बुरी तरह हराया, तो क्रिया क्या की, हराने का काम किया। फिर संबंध कारक, किसकी वजह से संबंध, ये जो संबंध के बारे में बात है तो धोनी के शतक की वजह से, और उसके करण जो संबंध कारक है उसका करण कारक है सहायता से, क्योंकि कर्म और कर्म विस्तार करता कौन है, क्योंकि भारतीय टीम है, और कर्म क्या क्या, क्रिकेट दल, ठीक है। तो ऐसे क्रियापद क्यों है, क्योंकि जो मेन क्रिया क्या की वो हराने की बात की गई, तो ये विश्लेषण किया। फिर वाक्य का संश्लेषण, तो विश्लेषण का विलोम शब्द है संश्लेषण, तो विश्लेषण में क्या, हम पूरा सब एक अलग अलग पार्ट करके समझते हैं। संश्लेषण में क्या होता है कि सभी को मिला के एक निर्माण करते हैं, अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करना संश्लेषण कहलाता है। जैसे मैं उदयपुर गया रेल से यात्रा करते हुए प्रथम श्रेणी व्याख्या तक परीक्षा देने, देखो सब अलग अलग चीज़ें हैं, इसको जोड़ते हैं संश्लेषित करते हैं। मैं प्रथम श्रेणी व्याख्या की परीक्षा देने रेल द्वारा उदयपुर गया, देखो ये जुड़ के कितना बढ़िया वाक्य बन गया। तो ऐसे करके जो है वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण के बारे में हमने जाना। अब वाक्य रूपांतरण के बारे में जानते हैं, वाक्य को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना अथवा परिवर्तित करना ही वाक्य रूपांतरण है। कैसे है, वाक्य रूपांतरण के प्रकार होते हैं, जो प्रकार जो हैं वो हैं 6 प्रकार। देखो कौन से, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य संयुक्त वाक्य की परिभाषा मैंने बताई आपको, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य, तो 6 प्रकार है वाक्य रूपांतरण करने के। अब हम रूपांतरण करके भी देखेंगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, जिसके उदाहरण बताते हैं, सबसे पहले सरल वाक्य, वह सेब खरीदने बाजार गया, और फिर संयुक्त वाक्य, उसे सेब खरीदने थे इसलिए वो बाजार गया। देखो संयुक्त वाक्य का नियम पता है, दो मेन दो मुख्य वाक्य मिलकर एक वाक्य बनाए तो संयुक्त वाक्य, शॉर्ट में यही परिभाषा है। मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक पद प्रधान हो बाकी सब गौण हो तो वो मिश्र वाक्य हो गया। फिर सरल वाक्य से मिश्र वाक्य, देखो इसमें आप देखोगे, मैंने एक सफ़ेद हाथी देखा था, मैंने एक हाथी देखा जो सफ़ेद था, देखो एक मेन हो गया हाथी देखा सफ़ेद था, वो एक गौण वाक्य हो गया, तो सरल से मिश्र हो गया। फिर संयुक्त से सरल वाक्य, जहाँ संयुक्त वाक्य संयुक्ता गा रही है और नाच रही है, सरल वाक्य जो है संयुक्ता गा एवं नाच रही है, उसको नॉर्मल सरल कर दिया, वरना दोनों देखो पद प्रधान थे उसमें। फिर आगे संयुक्त से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, तुम अच्छे हो और सच बोलते हो। फिर मिश्र वाक्य, तुम इसलिए अच्छे हो क्योंकि सच बोलते हो, देखो एक पद प्रधान हो गया कि अच्छे हो और क्योंकि सच बोलते हो, तो एक छोटी सी बात हो गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं, मिश्र से सरल वाक्य कैसे बनाने, मिश्र वाक्य है, उसने कहा कि मैं सर्वज्ञानी हूँ, तो एक पद मेन है एक पद सहायक है, दूसरा सरल वाक्य बना, उसने स्वयं को सर्वज्ञानी कहा, नॉर्मल सी चीज़ हो गई। फिर अंतिम जो है, मिश्र से संयुक्त वाक्य कैसे बनाना है, मिश्र वाक्य, यदि आप मंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें, तो ये एक मिश्र वाक्य हो गया। फिर इसका संयुक्त इसलिए बनता है कि आप मंत्री जी से मिलना चाहते हैं,
इसलिए प्रतीक्षा करें। तो दोनों, प्रतीक्षा करना भी मेन है और मिलना भी मेन है। तो ऐसे करके दोस्तों ये जो है मैंने आपको वाक्यों के जो शुद्धता के बारे में जो कुछ नियम हैं, कुछ प्रकार हैं, कुछ उदाहरण है एग्जाम्पल से मैंने आपको बताए। इसका एक और पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ जिसमें जैसे कि हम बताएंगे कि संज्ञा संबंधी जो वाक्य अशुद्धियाँ होती हैं, सर्वनाम संबंधी होती हैं, विशेषण संबंधी होती हैं, कर्ता कारक संबंधी, तो वो सारी चीज़ें उसमें हम अध्ययन करेंगे इसके अगले वीडियो में। तो इंतज़ार कीजिए आप बस कुछ ही समय का, तो आपको अगला वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।